सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पिपराइच चीनी मिल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे आधुनिक तकनीक पर आधारित चीनी मिल पिपराइच में लग रही है। सीएम ने कहा कि 385 करोड़ की लागत से बन रही इस मिल में मध्य मार्च के बाद पेराई का काम शुरू हो जाएगा। चीनी मिल में 50,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन पेराई होगा। इसे विस्तारित कर बाद में 75,000 क्विंटल प्रतिदिन गन्ना पेराई का काम किया जाएगा। जो चीनी यहां से बनेगी वो फाइन शुगर होगी, उसमें सल्फर और किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होगा, जिसकी मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। वहीं सीएम ने कहा कि मार्केट में चीनी की उपलब्धता के साथ ही एथेनॉल का प्लांट यहां पर लगाया जा रहा है, साथ ही 27 मेगावाट बिजली की पैदावार भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। देश के सबसे आधुनिक तकनीक पर आधारित चीनी मिल पिपराइच में यह लग रही है। हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 24 फरवरी के कार्यक्रम में इस मिल की औपचारिक घोषणा हो और इस पर ट्रायल शुरू हो जाए। मध्य मार्च के बाद इस चीनी मिल पर गन्ना किसानों के गन्ना की पेराई का कार्य प्रारंभ हो और चीनी निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाए। यह चीनी मिल 50,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन पेरेगी और इसको बाद में विस्तारीकरण करके 75,000 क्विंटल गन्ना प्रतिदिन करने की व्यवस्था इससे हम लोगों ने की है। जो चीनी यहाँ से बनेगी वह फाइन शुगर होगी, यानी सल्फर लेस होगी, उसमें सल्फर या किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होगा। मार्केट में और विदेशों में उसकी बहुत अच्छी मांग होती है, इसलिए पिपराइच में उस प्रकार की शुगर बने एक तो ये व्यवस्था यहाँ की जा रही है। दूसरा, जैसे चीनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी कम इस समय दाम है, चीनी की अगर आवश्यकता नहीं है तो हम लोग इस शुगर मिल में एक व्यवस्था ये भी करने जा रहे हैं कि शुगर केन से सीधे हम लोग इथेनॉल बना सकें। वहीं इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती के मुंडेरवा में नवनिर्मित चीनी मिल का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा में नई चीनी मिल प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जा रही है। मुंडेरवा में चीनी मिल बंद हो चुकी थी, किसान यहां पर तबाह था। यहां के किसान पिछली सरकारों के उपेक्षा के शिकार थे, लेकिन हमारी सरकार ने इन किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यहां पर नई चीनी मिल लगाने का निर्णय लिया। पिपराइच के और मुंडेरवा में ये नई चीनी मिल प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। मुंडेरवा में चीनी मिल बंद हो चुकी थी, किसान यहाँ पर तबाह था। यहाँ के माननीय विधायक और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बराबर इस बात के लिए आवाज उठाई जाती थी। स्वाभाविक रूप से यहाँ के किसान पिछली सरकारों की उपेक्षा के शिकार बन चुके थे, लेकिन हमारी सरकार ने इन किसानों के हितों को ध्यान में रख कर के यहाँ पर एक नई चीनी मिल लगाने का निर्णय लिया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इस सीजन में यह चीनी मिल प्रारंभ होगी। चूँकि ट्रायल में समय लगता है और एक प्रक्रिया होती है उसकी, लेकिन इस सीजन में हम लोग प्रारंभ इसको कराएंगे और अगले सीजन में जो अपनी फुल स्पीड पर चीनी मिल चलेगी तो प्रतिदिन 50,000 क्विंटल गन्ना की पेराई अकेले मुंडेरवा चीनी मिल करेगी। एक दूसरा, इस चीनी मिल के लगने के साथ ही यहाँ पर अक्सर होता था, चीनी मिलें लगती तो थी लेकिन प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों का उससे व्यापक क्षति होती थी प्रदूषण के कारण। आपको बता दें कि चीनी मिल के शुरू होने के बाद लगभग 500 से अधिक लोगों को सीधी नौकरी और 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने का आसार हैं और 40,000 किसान सीधे सीधे चीनी मिल का लाभ उठाएंगे। अब दावे तो खूब किए जा रहे हैं,
लेकिन देखना होगा कि इस चीनी मिल का लाभ किसानों को और मजदूरों को कब तक मिल पाता है। पंजाब केसरी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह और बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।